हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। बात करेंगे डेटा वैलिडेशन, वो भी एक्सेल पे नहीं, गूगल शीट पे। जी हाँ, गूगल शीट पे हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन के, और साथ में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे जो हमारे स्टूडेंट ने पूछते हैं ब्रावो स्किल्स में। सबसे पहले समझते हैं डेटा वैलिडेशन क्या होता है। मतलब किसी एक कॉलम पे या किसी एक एरिया पे एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड एंट्री को करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन, जो कि डेटा मेनूबार के अंदर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप इसका यूज कर सकते हैं, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आइटम लिस्ट होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए हम इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट ऑफ रेंज की बात करते हैं। लिस्ट ऑफ रेंज में जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ सिटी, लेकिन मैं सिटी यहाँ पे डेटा एंट्री नहीं करना चाहता, तो मैं एक छोटा सा डेटाबेस बना रहा हूँ उसके लिए। देख लीजिए, इसे सीरियल नंबर हो गया, नेम, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे एमआरपी, यहाँ पे का हमारा अमाउंट, अमाउंट बेसिकली कैलकुलेटेड है, तो इसमें जस्ट कैलकुलेशन डाल देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिटी, यहाँ पे हमारा सिटी आता है। सिटी के बाद हम यहाँ पे कुछ और ऐड करके फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं। तो सिटी का एक हमारे पास किसी और डेटा शीट में या इसी में सिटी लिस्ट है, जैसे कि पुणे, पटना, दिल्ली, नोएडा, कानपुर, नागपुर। ऐसे सिटी लिस्ट है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे वही सिटी इस हो जो सिटी हमने यहाँ पे इस रेंज में टाइप किया हुआ है। तो एक एरिया, सिलेक्टेड एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। सबसे पहले आता है लिस्ट ऑफ रेंज, और यहाँ पे हम उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके। उसके बाद यहाँ पे शो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द सेल, शोइंग वार्निंग, रिजेक्ट इनपुट, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया रिजेक्ट इनपुट, और शो वैलिडेशन टैक्स, मतलब आप क्या शो करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने रेंज में दे दिया प्लीज सेलेक्ट सिटी फ्रॉम लिस्ट, और हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम सिटी यहाँ से सिलेक्ट करें, एक ड्रॉप डाउन बन गया, हम यहीं से इस लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब तो आप यहाँ पे कुछ भी अपना लिख के एंटर मारेंगे तो आपको ये आएगा देयर वाज प्रॉब्लम, और यहाँ पे होगा प्लीज सिलेक्ट द सिटी फ्रॉम लिस्ट करके ऑप्शन आएगा, मतलब कि आप इसमें नहीं एंट्री कर सकते क्योंकि मैंने वहां पे रिजेक्ट का ऑप्शन यूज किया था। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट देना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट लिस्ट में हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और डेटा के अंदर में हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन में अब यहाँ लिस्ट ऑफ रेंज में लिस्ट ऑफ आइटम है, और यहाँ पे हम आइटम अपने मन से डालते हैं। तो प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे डाल दिया एक्सेल कॉमा वीवीए कॉमा जीएस गूगल सीट कॉमा एमआईएस। अब यहाँ पे मैं शो वार्निंग ही सिलेक्ट करूंगा, शो रिजेक्टेड नहीं सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट हो तो वो लिस्ट में नहीं एंट्री हो, तो वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन शो कर दे कि आप जो डालना चाह रहे हो, चेतावनी दे दे डालना चाह रहा हूँ, वो लिस्टेड नहीं है। और शो टेक्स्ट में अपने हिसाब से टेक्स्ट शो कर सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट नॉट शो फ्रॉम लिस्ट एड नहीं, एड एज ए और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो इसमें क्या होगा, लिस्ट जो है वो आया, वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे जैसे कुछ भी डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया पावर बीआई,
तो यहाँ एंटर मारते ही एंटर ले लेगा, लेकिन ये वार्निंग शो कर रहा है इनवैलिड, इनटू मस्ट बी द आइटम स्पेसिफिक लिस्ट, ये यहाँ पे होता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट है और यहाँ पे आते हैं डेटा रेंज में, अगला जो है हमारा है लिस्ट ऑफ रेंज के बाद आता है नंबर। अब क्वांटिटी है, मैं बोलता हूँ कि इसमें क्वांटिटी एक रेंज का मतलब एक कंडीशंस पे होनी चाहिए, ऐसे कोई क्वांटिटी कुछ भी डाल दे। तो डेटा रिलेशन में मैंने यहाँ पे क्वांटिटी नंबर को सेलेक्ट किया और नंबर में मैं बिटवीन या नॉट बिटवीन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ बोला कि भाई ये जो होगा वो होगा 50 से लेके 80 के बीच का, ये 50 से लेके 80 के बीच में नहीं होगा, वार्निंग शो नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्ट ही ना करे। और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया डिफॉल्ट टेक्स्ट के साथ, अब खुद भी डाल सकते हैं अपना टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर 20 डालूंगा तो एंट्री नहीं लेगा, 36 डालूंगा ले लेगा, 52 डाल देगा 85 नहीं लेगा। तो ये हमने लिस्ट यहाँ पे डाला। अब इसमें जो अगला नंबर के बाद जो अगला ऑप्शन है उसमें हम चलते हैं, अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में यहाँ आप डाल सकते हैं कि भाई कंटेन, कि वो क्या कंटेन कर रहा है क्या कंटेन नहीं कर रहा, इक्वल टू या इनवैलिड ईमेल या इनवैलिड यूआरएल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कस्टमर का ईमेल आईडी, अब मैं चाहता हूं कि कोई अगर गलत ईमेल आईडी शो हो तो यहाँ पे दिख जाना चाहिए कि भाई ये ईमेल आईडी करेक्ट नहीं है। तो डेटा वैलिडेशन में मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ कंटेन में हमने सिलेक्ट कर लिया इनवैलिड, इधर इज अ वैलिड यूआरएल और रिजेक्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ईमेल डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी kumar@iptindia.com, एंटर प्रेस किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तो एक वैलिड यूआरएल है। देखिए यही पे अगर मैंने कुछ ऐसे टेक्स्ट डाल दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वैलिड नहीं है। ओके, अब नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में इससे आगे जो आता है वो आता है डेट। अब मान लीजिए कि सेल्स ऑफ डेट हमें डालना है यहाँ पे, तो डेटा में डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे दो चीज, एक वैलिड डेट, डेट वैलिड होना चाहिए या किसी डेट से पहले या किसी डेट के बाद, या और यहाँ पे आफ्टर आफ्टर बिटवीन नॉट बिटवीन एक कंडीशन डाल सकते, लेकिन यहाँ पे मैं वैलिड डेट डाल देता हूँ कि डेट वैलिड होना चाहिए और यहाँ पे रिजेक्टेड एंड सेव कर देता हूँ। तो कोई अगर यहाँ पे उल्टा सीधा डेट डालेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डेट एक डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, ये हमारा डेट का था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, तो डेटा वैलिडेशन में जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कस्टम फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम फॉर्मूला। अब इस पे हमारे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था, तो सवाल के यहाँ पे भी हम जवाब डालेंगे। उनका सवाल ये है कि जैसे कि मान लीजिए क्वांटिटी एमआरपी यहाँ पे आ गई है, तो जैसे चाहते हैं कि दूसरा टेक्स्ट तक की एंट्री हो, पहले टेक्स्ट में डेटा डला हुआ है, मतलब कि मुझे एमआरपी पे एंट्री करनी है, लेकिन एमआरपी पे एंट्री तभी हो जब वो क्वांटिटी पे एंट्री कर चुका है, मतलब अगर क्वांटिटी ब्लैंक है तो एमआरपी पे एंट्री नहीं लेगा, सबसे पहले ही करना है। तो हम इसमें कस्टम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक सिंगल सेल सेट करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला तभी तो इंक्रीज होगा। और यहाँ पे हम फॉर्मूला पे आते हैं और इज फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला कस्टम फॉर्मूला इज यहाँ पे इक्वल टू, हम यहाँ पे देते हैं कि क्वांटिटी जो है हमारा मतलब C4, जो C4 है C4 greater than 0, C4 greater than 0,
और हमने यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन डाल दिया, मैसेज दे दिया कि यहाँ पे मैसेज एंटर कॉस्ट UTY और सेव। अब जैसे एमआरपी पे इसको कॉपी करते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हमने सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो एंट्री नहीं ले रहा है, क्योंकि जैसे मैं क्वांटिटी में कुछ डालता हूँ तो अच्छा, इसमें पहले से रूल है, हाँ रूल है ना, 65 रखा हुआ, पहले से डाला हुआ है, पहले से डाला हुआ है उसमें, तो 50 से 80 ही ले पाता है। अब यहाँ पे हम इंट्री करेंगे तो इंट्री एक्सेप्ट ले रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हम डाल रहे हैं वो क्वांटिटी के बेस है, क्वांटिटी जब तक नहीं डाला है तब तक नहीं लेगा। लेकिन मुझे अगर 2 के अगेंस्ट में करना हो तो जैसे यहां पे हमारा स्टेटस डालना है, स्टेटस में क्वेश्चन ये है कि यहां पे मुझे स्टेटस में ओके, पेंडिंग और रिजेक्ट 3 ऑप्शन डालने हैं, ओके, पेंडिंग, रिजेक्ट। तो रिजेक्ट तो सही है, ओके और पेंडिंग तभी डलेगी जब इसमें डेट होगा। तो कैसे करें, तो डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहां आते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला में मैं यहां पे फॉर्मूला डालता हूं, लेकिन यहां पे मल्टीपल कनेक्शन है, यहां पे हम डालेंगे सबसे पहले एंड का फॉर्मूला। एंड फॉर्मूले में हम डालेंगे I4 is greater than 0, फिर कॉमा इसके अंदर और में डालेंगे कि भाई जो J4 है वो इक्वल टू होना चाहिए ओके, और कॉमा अगेन J4 इक्वल टू हमने डाल दिया यहां पे पेंडिंग। तो हमने एंड और 2 फॉर्मूला लगाया यहां पे, हमने क्या इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते, मैं बाहर डाल दूंगा कि मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, और यहां रिजेक्ट करना है, यहां पे डालना है प्लीज एंटर डेट कॉस्ट, और यहां पे इसको सेव कर देता हूं। तो ये फॉर्मूला जो डाला था यहां पे ऊपर पेस्ट कर देता हूं मैं, ताकि फॉर्मूला आप देख सके कि क्या डाला हुआ है, और मैं इसको कॉपी कर नीचे की तरफ सिलेक्ट कर, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें कंडीशनल फॉर्मेट, सॉरी नहीं, डेटा वैलिडेशन ओनली पे क्लिक करूंगा। अब जैसे यहां पे हम कुछ एंट्री करने जा रहे हैं, एंट्री नहीं, यहां पे एंट्री नहीं हो पा रहा है, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम ओके वगैरह नहीं डाल सकते, पेंडिंग नहीं डाल सकते, कुछ और डाल सकते हो पेंडिंग के अलावा। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, कि हमने कुछ कंडीशंस गड़बड़ की है, हमने एंड के अंदर जो डेट डाल दिया ये गलत है। जी यहाँ पे इफ डालना है, इफ और ओके एंड पेंडिंग हुआ तो यहाँ पे आना चाहिए नहीं है, फॉर्मूला सही डाल देते,
बट उसमें हमें कंडीशन लगाना होगा, एक मिनट, इसको इफ के अंदर ना, ये डेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, देन यहां पे हमने शो किया ट्रू, अदरवाइज हमने यहां पे किया यहां पे इफ हम देते हैं, इफ क्योंकि इनके ओके और पेंड, हमने बोला कि भाई डेट होना चाहिए और इसमें ओके और पेंड नहीं होना चाहिए तो एक्सेप्ट हो। इसके अलावा हमें यहां पे देना है यहां पे कुछ जम नहीं रहा है, क्या करें, डेट चाहिए ओके पेंडिंग चाहिए, डेट होना चाहिए ओके पेंडिंग होना चाहिए, ओके पेंडिंग पे करना चाहिए, दो हमने यहाँ पे डाल दिया, डेट दोनों में कंपल्सरी है, लेकिन ओके और पेंडिंग के अलावा कुछ अगर होता है तो यहाँ पे इफ नॉट, इफ नॉट और जे फोर इक्वल टू ओके और यहां पे जे फोर इक्वल टू पेंडिंग, देन True, otherwise false. अब सही यहां पे अब ओके डालता हूं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, पेंडिंग डालता हूं, एक्सेप्ट, पेंडिंग एक्सेप्ट कर रहा है, स्पेलिंग इसमें स्पेलिंग सही है पेंडिंग का, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ ये वर्ड तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी कुछ और डाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ देन हम यहाँ ओके डालते हैं तो एक्सेप्ट ले ले रहा है, तो मतलब कि हमारा जो काम करना था वो हो गया है। ये फॉर्मूला को मैंने हाईलाइट कर दिया है आपको, आप इस फॉर्मूले को देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम था। तो डेटा रिलेशन में हम इतना ही, और डेटा मेनू बार हम यहाँ पे खत्म करते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे टूल्स के ऊपर।